वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, वीडियो आ चुका है, वीडियो पूरा जरूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, स्कैम है रियल है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, दोस्तों सिंपल शब्दों में समझा देते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लान है, ट्रोन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ही इनकम आपको देते हैं, कौन कौन सी इनकम मिलेगी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्राउड फंडिंग, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधे चलते हैं पॉइंट पर। एंड पॉइंट क्या है कि कितने से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एडवांटेज तो सिंपल है, डिसेंट्रलाइज है, पी टू पी पे काम करता है, ये चीज़ आपको ये बता देंगे, लेकिन प्लान में कितना दम है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो मीटिंग के अंदर आपको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ही, क्योंकि इनका प्लान है, लेकिन रियलिटी कितनी है विद प्रूफ वो मैं आपको बताऊंगा। एंड स्टार्ट विद 200 ट्रोन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, INR में मल्टीप्लाई कर लेना जितना भी ट्रोन का प्राइस चल रहा होगा। उसके बाद मल्टीपल पैकेज इनके पास है, 200, 400, 800, 1600, 3200, 3600, 12800 एंड 25600 ट्रोन तक के पैकेज इनके पास है। हर एक पैकेज का विड्रॉल लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट लगाने हैं। टाइप्स ऑफ इनकम देख लेते हैं, स्पॉन्सर इनकम है, लेवल है जी ग्लोबल M6, ग्लोबल यूनिवर्सल, बूस्टिंग बोर्ड, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। एंड इनका कहना है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो हमने मान लिया 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, अब बात करते हैं पर M6 एंड यूनिवर्सल पूल एंड लेवल इनकम की काम कैसे करता है। जैसे कि आप 200 ट्रोन से एंट्री लेते हैं तो 80 ट्रोन आपका M6 के अंदर जाता है, 80 ट्रोन आपका यूनिवर्सल में जाता है और 40 ट्रोन आपका लेवल में जाता है। हर एक पैकेज का ऐसे ही रेशो उन्होंने बना रखा है कि कहाँ इनकम जाती है। तो M6 वर्क कैसे करता है, आपने फोर्सेज का नाम सुना होगा, तो वही है बस, सेम वही उसी टाइप का मॉडल बना रखा है उन्होंने कि जो इनकम इनकी M6 आपने ज्वाइन किया तो आपके टाउन में 2 मेंबर आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, तो उनका पैसा AB का जो पैसा वो आपके अपलाइन का, फिर उसके बाद जितने भी 3 मेंबर आएंगे CDE उनका पैसा आपका, उसके बाद 1 मेंबर और आएगा, उससे आपकी आईडी हो जाएगी रिसाइकल हो जाएगी तो बार बार आपको फिर कमीशन आएगा सेम ऐसे ही। यानी AB जो आपके डायरेक्ट होंगे उसका पैसा कहा जाता है अपलाइन को, वैसे 30% पैसा आपको भी आता है अगर आपने खुद उसको स्पॉन्सर किया है तो। उसके बाद CDE का जो पैसा है 10% वो आपका, फिर नेक्स्ट एक बंदा और आएगा एंड उसका पैसा, उसके पैसे से क्या होगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। और ये आईडी कहीं से भी आ सकती है, डाउनलाइन अप्लाई फ्लाना रिम करना कहीं से भी आ सकती है। उसके बाद M6 वर्क कैसे करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 30% पैसा आपको मिलता है और 10% आपका स्पॉन्सर को जाता है हर एक पैकेज से। मल्टीपल पैकेज हैं ऑलरेडी बता रखे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। 6 वे ऑफ रिसीव डोनेशन, ये तरीके बताए हैं कहाँ कहाँ से आपको इनकम आएगी। एंड उसके बाद दूसरा जो इनकम है इनका यूनिवर्सल ऑटो पूल रीबर्थ मॉडल, आपने शायद ये फिलर नाम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे पहले, फिलर ट्रोन फिलर फलाना फिलर, उनके पास क्या था, रीबर्थ मॉडल था, ये भी सेम वही है रीबर्थ मॉडल। और मैंने वहाँ पर चैलेंज कर दिया था कि वो चलेगा नहीं, वो चले ही नहीं है, और यहाँ पर भी चैलेंज करता हूँ, डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिजनेस मॉडल वर्क करता है नहीं करता उस पर आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। जो भी रिवर्थ मॉडल लेके आए हैं, जो M6 लेकर आए हैं, आने वाले टाइम में फेल हो जाएंगे, 3 से 4 महीने के अंदर ही फेल हो जाएंगे वो, यानी आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, आप सिस्टम को छोड़ देंगे, इसमें कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे लोग काम करना छोड़ते हैं और सिस्टम ये फेल हो जाते हैं। तो कैसे काम कैसे करता है, आपने ज्वाइन किया और आपके अकाउंट में ए और बी आ गए, ठीक है जी, आपको पैसा आ गया, जैसे आपको पैसा आया तो आपकी जो आईडी है उसका एक और कॉपी निकाल दिया, जिसको कहते हैं रीबर्थ U1 नाम से। एंड फिर सी आया, फिर ए के डाउन में 2 हो गए, एक तो आप हो गए, एक सी हो गया, फिर उसका आईडी भी क्या हो गया, रीबर्थ हो गया एक। तो ऐसे काम करता है बेसिकली, आप समझ सकते हैं, आगे उन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है
इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रेफरल का 36% और स्पॉन्सर को 4% जाता है। तो काम कैसे करता है, तो आप मल्टीपल पैकेज, पहले तो मल्टीपल पैकेज देख लीजिए इनके, 36% आपको जाता है और 4% स्पॉन्सर को जाता है हर एक पैकेज से। मल्टीपल पैकेज है, मल्टीपल पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं ऐसा इनका कहना है, लेकिन करना या नहीं करना वो हम बताएंगे। साइकिल यहाँ पर देखकर जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो 72 यहाँ पर टोन आपको मिलते हैं और स्पॉन्सर को 8 जाते हैं। फिर रीबर्थ हो जाता है 2 ID का, फिर 144 फिर आपको मिलते हैं, फिर 4 फिर रीबर्थ हो जाता है, यानी आपका रीबर्थ 2 के मल्टीप्लाई से बढ़ता बढ़ता रहता है। जैसे कि 2 से 4 हो, फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई हुआ 16, ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाता है और स्पॉन्सर को भी इनकम मिलता चला जाता है। और मैंने आपको बता दिया रीबर्थ मॉडल ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं, ये मेरा चैलेंज है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर रखा है तो चैलेंज है मेरा आपके साथ। फिर मैं, अगर आपने इससे पैसा कमा लिया तो जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए फिर तैयार हूँ, ठीक है जी। एंड इन्होंने बता रखा कि कितना आपको प्रॉफिट होगा यूनिवर्सल पूल से पैकेज के अनुसार। फिर जी लेवल जनरेशन कैलकुलेशन, लेवल इनकम है हर एक पैकेज के अंदर आपको लेवल इनकम दी जा रही है 20% पहले लेवल से, दूसरे 20%, तीसरे 10%। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर बूस्टिंग बोर्ड है, बहुत सारे प्लान लेकर आए थे टूपुल के, बूस्टिंग बोर्ड यह भी उनमें से एक है। 100 ट्रोन से आप एंट्री ले सकते हैं, 300 ट्रोन की इनकम होगी बार बार, अगर आप एंट्री लेते हो तो बार बार इनकम होगी। ये भी नहीं चलते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, यानी ये ऊपर जो बैठे रहते हैं ना कुछ लोग, बस वही बेनिफिट उठाते हैं ऐसे प्लान का, ऐसे सिस्टम का, आप तो बस देखते रहते हैं। फिर डिविडेंट इनकम 10% आपको मिलेगा, कंपनी में जितनी भी आईडीज आएंगी उसका 10% निकाल लिया जाएगा, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर ये बोलेंगे कि आईडी लगाकर अगर आप छोड़ देंगे तो आपको पैसा आता रहेगा। दोस्तों आप एक बात दे, जब आप आईडी लगाकर छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा, फिर 10% किसके आईडी से निकलेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, तभी तो 10% आएगा ना। जब आईडी लगा के छोड़ ही दोगे तो काम कौन करेगा फिर, क्योंकि 99% तो लोग काम ही नहीं करते हैं, वो तो आईडी लगा के छोड़ ही देते हैं। जब 1% बंदा काम करेगा तो फिर तो आपको चिल्लर मिलेंगे इसका मतलब। तो फिर उसके बाद रॉयल्टी इनकम है, कंडीशन बेस्ड है एंड पैकेज के हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलती है और कुछ कंडीशन में ट्रैक्ट की अगर आप उसको पूरा करते हैं तो यहाँ पर 100% तक रॉयल्टी आप ले सकते हैं। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। एंड तो ये था इनका बिजनेस प्लान। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, देखो डिसेंट्रलाइज है हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे जो भी ये बिजनेस मॉडल लेके आते हैं ना लंबे समय तक चलते नहीं है, लोग इनमें काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ऊपर से पैसा नहीं आता है। और ये कोई एकमात्र ऐसा सिस्टम नहीं है मार्केट के अंदर जो पहली बार आया है, अब से पहले ऐसे हज़ारों सिस्टम आ चुके हैं जिनमें लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, शायद अभी आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप कमेंट मार के कुछ भी बोल सकते हैं अभी तो, लेकिन जब वक्त आएगा फिर वीडियो बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि सोच समझ कर इसमें पैसा लगाएं, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं पूल सूल M6 ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। जो ऊपर लोग बैठे रहते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है और बस वो लेके निकल लेते हैं, क्योंकि जो ऊपर उनकी भी आईडी लगी रहती है, जो ऐसे सिस्टम को बनाते हैं उनकी भी तो आईडी ऊपर लगी रहती है ना, तो उनको भी प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। लेकिन जो नीचे आते हैं ना, बस वो तो बेचारे सपने देखते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उनको कभी नहीं आता है और बस उनके साथ फिर धोखा हो जाता है। तो फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा करें, एक सही कंपनी को ज्वाइन करें और उसमें टीम बनाएं। ये जो आईडी लगाने वाला मेथड है ना, आईडी लगा छोड़ दो पैसा आता रहेगा, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो। कोई नहीं पैसा देगा आपको ऐसे कि आईडी लगा छोड़ दो आपको पैसा आता रहेगा, कोई नहीं देगा। एक लिमिट होती है उस पैसों को देने की, लेकिन जब कोई काम ही नहीं करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इन लोग काम करना उसमें छोड़ देते हैं ना, तो सिस्टम बंद ही हो जाता है, फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो अपने ऊपर भरोसा करें, अगर आप MLM करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो काम करें, तभी आपको यहाँ से बड़ा पैसा मिल सकता है। एंड अगर बात करें लीगल की, तो इस टाइप के सिस्टम लीगल नहीं होते हैं, ऐसे सिस्टम को मनी रोटेशन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन लोग फिर भी इसको प्रमोट करते हैं डिसेंट्रलाइज बोल बोल के। लेकिन मैंने आपको बता दिया जो फैक्ट है, अगर किसी को ज़्यादा यकीन नहीं है तो मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं, ओपनली बोलता हूँ, केस करे जाके। ना तो ऐसे सिस्टम लीगल होते हैं, मनी रोटेशन में आते हैं और जी लीगल तो है नहीं, और ओनर भी अपना फेस वैल्यू यहाँ पर छिपा के रखते हैं, कौन बनाया है सिस्टम को नहीं बताते हैं वो, क्योंकि वो दूसरा भी बनाना चाहते हैं, ये चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो दूसरा बना लेके जाके, इसलिए वो अपना फेस वैल्यू छिपा के रखते हैं ज़्यादातर।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी ही वीडियो अच्छी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स।